हेलो नमस्ते। कभी अचानक से आप लोग के घर में मेहमान आ जाए और टाइम ना हो नाश्ता बनाने का, तो इस तरीके से गेहूं के आटे का ये रेसिपी बना करके आप लोग भी ट्राई करें, बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार बनाए महीना तक स्टोर करके रखे इसे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी हम एक बाउल में डालेंगे गेहूं का आटा, एक कटोरी आटा हम डाल रहे हैं इसमें। कलौंजी को हाथ पे घस के इस तरह से डाल दें इसमें। नमक डाल दें, टू टेबल स्पून तेल डाल दें इसमें। तेल घी कुछ भी डाल सकते हैं, घी डाले तो और भी अच्छा होता है इसका स्वाद। तेल घी डालने के बाद इसे मिक्स कर ले, मिला ले आटा को अच्छी तरह से। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो इसमें पानी छिड़क दे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा हाथ पे पानी लेके छिड़क दे इसमें। पानी छिड़कने के बाद इसे मिक्स कर ले, थोड़ा सा और पानी छिड़क के मिक्स कर लेते हैं हम इसे। आप लोग भी इसी तरीके से मिक्स कर ले इसे, थोड़ा सा और पानी छिड़क देते हैं इसमें। इस तरह से मिक्स कर ले, एकदम से फटाफट ये बन जाता है। जितने टाइम में हम लोग का चाय बनता है उतने टाइम ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से देखिए मिक्स कर ले इसे। जब ये मुट्ठी में बंधने लगे तब छोड़ दे। देखिए अब ये मुट्ठी में बंधने लगा है, एकदम से गीला ना करे इसे, हल्के पानी छींटे इस पर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे गोल गोल हाथ में बना लेंगे और फिर हम उसे ठोक लेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ पे इसे ठोके जिससे उस पर निशान उभर जाए उसका, इस तरह से हम इसे ठोक लेंगे। गोल बना के रख दे और हाथ से दबा दे। देखिए इसी तरीके से हम सारे को बना लेंगे। मुट्ठी में लेंगे, गोल करेंगे, फिर हाथ से दबा देंगे। हमारे पास तो बूंदी बनाने वाला था, इसी पे हम बना रहे हैं। देखिए सारे को हमने यहाँ ठोक करके रख लिया है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म करने के बाद हम उसमें डालेंगे तेल। इसे आप लोग चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद चलिए हम ये डाल देते हैं सारे को इसमें। डालने के बाद गैस को धीमा कर दे जिससे कि अंदर बाहर अच्छी तरह से पक जाए। इसे इस तरीके से पलट ले। इस तरह से सारे को देखिए हमने पलट लिया है। यहाँ पे दोनों साइड से इसे हल्का गोल्डन कर लेंगे। इसका स्वाद आप लोग को खाने में वैसा ही लगेगा जैसे कि हम मीठे वाले कुकीज़ खाते हैं, तो मीठा नहीं है, नमकीन है। इस तरह से आप लोग बना के इसे स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। चलिए अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, जब मन करे तभी खा ले। इसमें गैर फायदे वाले तो कुछ भी चीज़ नहीं है। इस तरीके से आप लोग भी गेहूं के आटे को बना करके देखिए एक बार। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आप लोग को ये आटे की नमकीन की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे।